रोहित शर्मा को दोस्त ने दी थी फोड़ डालने की धमकी। अगले ही दिन रोहित शर्मा ने दिखाई थी औकात। रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग के इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने दुनिया के इस सबसे बड़े घरेलू T20 टूर्नामेंट में हैट्रिक भी ली है और शतक भी लगाया है। हिटमैन के कुछ फैंस को ये पता हो सकता है, लेकिन हैट्रिक के पीछे की कहानी शायद ही किसी को पता होगी। दरअसल रोहित शर्मा ने हैट्रिक में जिन बल्लेबाजों के विकेट लिए थे उसमें से ही एक ने एक दिन पहले रोहित शर्मा को उनकी बॉलिंग की धज्जियां उड़ाने तक की धमकी दे दी थी। रोहित ने साल 2017 में ये राज गौरव कपूर के YouTube शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में खोला था। खास ये कि तब रोहित शर्मा को खुद भी नहीं पता था कि हैट्रिक और शतक बनाने का रिकॉर्ड सिर्फ उनके नाम ही है। गौरव ने ही उन्हें रिकॉर्ड के बारे में उन्हें जानकारी दी थी। गौरव ने कहा था, मैं आपको एक रोचक स्टेट बताता हूँ। आप IPL में इकलौते प्लेयर हैं जिसने हैट्रिक भी ली है और शतक भी मारा है। रोहित यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। कहा, यह बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हालांकि हैट्रिक की बात सुनते ही वह बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, मैं उस तरह की हैट्रिक हर दिन लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आसान है, लेकिन लोग मुझसे हैट्रिक की अपेक्षा नहीं करते हैं। इसके बाद रोहित ने गिनवाया कि उन्होंने हैट्रिक में किन किन बल्लेबाजों को आउट किया था। रोहित ने कहा, नंबर 1 अभिषेक नायर, नंबर 2 हरभजन सिंह, नंबर 3 JP डुमिनी। यार ये सब ठीक ठाक प्लेयर हैं। भज्जू पा का भी 2 हैट्रिक है टेस्ट मैच में। JP डुमिनी तो अच्छे प्लेयर है ही, अभिषेक नायर तो है ही। इस पर गौरव ने बीच में टोकते हुए कहा, योर डियर फ्रेंड। रोहित ने कहा, हाँ माई डियर फ्रेंड। उस मैच के पहले हमारे दोनों रोहित और अभिषेक के बीच खासी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि तू कल बॉल डाल ले आ तो मैं तुझे दिखाता हूँ। मुझे धमकी दे रहा था तो मैंने बोला, भाई तू कितना भी रन बना, कितना भी विकेट ले, रन तो रन है, विकेट तो विकेट है। चाहे मैं कैसे भी आउट करूँ तुझे, 2 टप्पे पे भी आउट कर दिया तो आउट ही है। रोहित ने फिर हंसते हुए कहा, जो केदार जाधव कर रहा है इस बार। इसके बाद रोहित ठहाका लगाकर हंस पड़े। गौरव भी उनका साथ देने में पीछे नहीं रहे।